और बाबू को भी साथ में रख करके धूप लगा रहे इसका भी अब रहेगा ये ऐसे। मम्मा तो अभी खाना बना रही थी सदी, तो मम्मा ने चढ़ा दिया गैस पे, आटा भी लगा दिया, मैं बस रोटी बनाऊंगी। और इधर पापा तो सो गए, मम्मा की इधर भी पता नहीं हुई अरे मम्मा। मम्मा इधर कपड़े होके समेट रही है, साफ उफ हो गए कपड़े, और तो लालू का कपड़ा, बाबू का कपड़ा इसमें। अभी ना हम सारे फैमिली मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि कल जो हमने ड्रेस लिया था ना, मम्मा ने जो कुर्ती लिया था स्वेटर वाला, वो मम्मा को थोड़ी छोटी हो गई थी, तो वो मम्मी को बड़ी साइज देना है। और मैंने जो पजामे लिया था ना, उसे भी मेरे को एक्सचेंज करवा रहा है। तो आज भी हम राजगुरु मार्केट जा रहे हैं। तो अभी हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, योगेश नहीं जा रहे, पता नहीं योगेश को आज क्या हुआ, तो वो बोले मेरा आज मूड नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा, इसलिए वो आज मार्केट जा नहीं रहे हमारे साथ। तो योगेश तो ऊपर है, वो रहे योगेश नहीं जा रहे, पता नहीं किसे गुस्सा होकर के बैठे हैं शायद। मम्मा तो अंदर में बाबू को लेके आ रही है, हम लोग तो निकल चुके हैं। सबसे पहले गाड़ी में अंदर जाके बैठा है, देखो उसका काम नहीं, कंडीशन के मामले में जी जी तो फोन पे बात कर रहे हैं। अभी ना हम सब राजगुरु मार्केट गए थे, वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि आज मार्केट का मतलब शॉप और सब बंद है, क्योंकि आज संडे है ना, और हमें पता ही नहीं था आज संडे है, तो हम जाते ही नहीं, तो इसलिए हम लोग वहाँ तो जा नहीं पाए। हम लोग टाउन पार्क आ गए आज घूमने के लिए, मैंने तो आइसक्रीम लिया है खाने के लिए, फिस्ट क्या लिए शक्कर कंद खाएगी, खा ले ब्रेड बन जाएगी। योगेश आ रहा है क्या? अच्छा आ जाएगा, वो भी घूम लेगा टाउन पार्क। टाउन पार्क के अंदर तो आ गए हम लोग, और ये भुखर हारी ऐसा करकंद बहुत अच्छा अच्छा तो है ही, मेरे को भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आइसक्रीम खा लिया। स्टॉन पार्क में मैंने मक्के इतने खाए, हाँ सही में बहुत ज्यादा खाए हैं हमने तो मक्के। और अब आए हमारे शकरकंद की, हाँ शकरकंद की बारी, शकरकंद खाऊंगे इतने शकरकंद खाऊंगे ताकि मोटी हो जाए, मोटी भैंस की तरह हो जाए। ताकि पार्क में तो कुछ ज्यादा मजा ले लिया हमने, खास करके मम्मा, क्योंकि बाबू को भी धूप लग गया, सबको धूप लग गया, मतलब मजा आ गया यार। योगेश और पता नहीं किधर चले गए, और मैं रोज लेकर के आई थी, मतलब योगेश के पैकेट में रोज रह गया था, दे दे मेरा रोज, अब तेरे ले, ले यार, तेरा कोई काम नहीं अब इस रोज का, मेरा ये रोज। इसने सच में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा चैलेंज किया आज मैंने, तगड़ी वाला, वो भी देखोगे ना मजा आ जाएगा। समझ नहीं आया कितना अच्छा खासा चैलेंज कहाँ से सोचा इसने, दिमाग में आता है भाई, समझती नहीं है, जो भी था लेकिन मस्त था, ओपी था, मस्त क्या था, बहुत ही ज्यादा मजा आया। लेकिन ये चैलेंज वाली वीडियो देखने तो हमारे ब्लैक फ्लैग आर्मी चैनल पर जाकर देखना, बहुत प्यारा चैलेंज है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को देखकर। आज मैं फर्स्ट टाइम योगेश के साथ केटीएम में बैठने वाले हूँ यार, पता नहीं कैसे लेकर के जाएगा मेरे को ये, अच्छे से लेके जाइए भाई, बहुत डर लगता है मेरे को सच्ची पूछो तो। हाँ अरे अच्छे से लेके जाऊंगा, गाड़ी में जा सकती हूं। नहीं नहीं जाना तो मेरे को इसी पे है, मुझे तो बैठे हैं लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा, कंफर्टेबल है, आप सही से चला तो रहे हो ना? मेरे को तो पता यार सही से चला रहे, ऐसा नहीं इसको सारे बाइक चलाने आता है, ऐसा नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी स्टार्टिंग में, विश्वास नहीं मेरे को, बहुत ज्यादा विश्वास है यार। फाइनली हम लोग घर तो पहुंच गए, बहुत सेफ्टी से लाया इन्होंने मेरे को, सेफ्टी से तो लेके आना पड़ेगा ना। हाँ और अभी हम लोग रील्स पे बनाने वाले हैं, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे आने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कर लेना, फॉलो भी कर लेना। मैंने आते ही सीधा मार्केट से ना ड्रेस चेंज कर लिया, और अभी मेरे को और दीदी को दोनों को मिलकर के ना बेड का चादर लगाना है, मेरे से अकेले तो लगती है नहीं, और केटीएम राइड करके ना काफी मजा आया यार, बहुत ही ज्यादा मजा आया सच्ची पूछो तो। क्या हो गया? अरे पता नहीं यार मेरे को वो दीदी मेरे को बोली, तो दीदी तो अभी चाय पी रही है, बस चाय पी ले वो, उसके बाद हम दोनों मिलकर के बैट लगाएंगे। अभी तो अभी ना हम सब कोई बाहर से तो आ गए यार, बहुत तेज वाली भूख लगी, जीजू और तो योगेश सब बाहर चले गए, अभी मैं दीदी मम्मा पापा ही घर पे, तो मैंने दीदी ने ना खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, बर्गर ऑर्डर किया, वैसे तो ये भैया आ भी गए ऑर्डर लेकर के, लेकिन पता नहीं किधर से किधर घूम रहे हैं, जबकि हमने लोकेशन भी दे रखा है, यहाँ पे नहीं हो रहा तो हम लोग को ज्यादा पता है नहीं, हाँ मेरे ख्याल से लगे जैसे ये कंफ्यूज हो गए, पता नहीं कब करके तो नहीं पूछे ना, ये तो प्रॉब्लम है, हाँ ये भी प्रॉब्लम है यार, अब देखते हैं कब तक आता है। तो फाइनली आ चुके हैं, इतने देर बाद आए, काफी टाइम लगा दिया उन्होंने आते आते, तो मैं तो रुपीज लेके जा रही हूँ, देखते हो भैया गेट पे आ तो गए क्या। तो हमारा ऑर्डर तो हमें मिल चुका है, और भैया को मैंने टिप भी दे दिया है 50 रुपीस, इतना घूमने के लिए बहुत ज़्यादा घूमा भैया ने, क्योंकि हम लोग को यार अच्छे से एड्रेस पता नहीं है, दीजिए ऑर्डर तो बता भी देते, मेरे को तो पता है ना, दीदी को पता है, अंदर आना मम्मा पापा, हाँ मम्मा पापा तो सो गए, जगा दो इन लोग को भी, बाबू भी सो गया भाई, ठंडी इतना ज़्यादा है, आ जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं गई अभी मेरे को पता है, अभी भूत चढ़ा
रहा था बाहर जा रहे थे। वही ना, फिंगर चिप्स देखो कैसे गिर गया। ये गिरा नहीं है यार, आज फिंगर चिप्स बहुत ज्यादा आ गया। मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया बर्गर, इसलिए मेरे को आइडिया। मैं ही खाऊंगी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। पापा को भी ज्यादा पसंद है। हां पापा को ही पसंद है बर्गर। ये लो पापा, आप ले लो इससे। अच्छा पापा ले लिए क्या? फाइनली मेरी व्लॉग एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आप लोगों को भी मेरी व्लॉग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो व्लॉग को लाइक कर लो, चलो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय। और हाँ, ये जरूर बताना कि KTM राइड जो हमने किया ये आप लोगों को कैसा लगा।